नमस्कार आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। काजिम लोडिया है, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। तो आप मुमरा स्टेशन पे खड़े हुए हैं, आपको क्या दिक्कत आ रही है टिकट लेने के लिए? इधर मैं आया टिकट काउंटर के पास, उन्होंने बोले ये अपना कुछ पेपर अपना ये ऑनलाइन करके प्रिंट आउट लेके आओ। फिर प्रिंट आउट विंट आउट करा के लेके आया तो यहाँ पे काउंटर में बोले भाई तुम कौन सा पेपर प्रिंट आउट करा ये वाला है, वैक्सीन सर्टिफिकेट है। अच्छा, दो वैक्सीन आपने ले लिए? हाँ ले लिया। तो बाद में लोग ने बोले अभी आपको सिर्फ पास मिलेगा। तो मैंने डेली कुछ काम तो है नहीं, मेरा ट्रैवलिंग करने का, मैं डेली पास लेकर करूँ क्या? मैं आज मुझे सिर्फ बॉम्बे जाना है, मेरा कुछ सामान लेने, कैमरे का यूनिट वगैरह, लाइट्स लेने एक दिन के लिए। तो बाकी है एवरीडे का पास मैंने क्या काम का है, क्योंकि कंपलसरी है हम लोगों को, ये लोग बोले आपको ये पास ही लेना पड़ेगा। मतलब आपने बॉम्बे जाने के लिए दो वैक्सीन ली और उसके बाद भी आपको बॉम्बे जाने के लिए टिकट नहीं दी? नहीं मिल रही है। दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, दो वैक्सीन के बाद में आपको ट्रेन में जाने की सहूलियत मिलेगी और टिकट मिलेगी। हाँ। मगर ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है तो इसके एक महीने की पास डायरेक्ट आपको लेनी है। हाँ। सिंगल टिकट नहीं दे रही। नहीं, नहीं। तो ये जीआर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सही है या गलत है? वेरी रॉन्ग है, गलत है, ये काफी गलत है। और डेली इसका आउटडोर का अपने ट्रैवलिंग का काम नहीं है, इसका जॉब नहीं है वहाँ पे, तो पास लेके मैं करूँ क्या? खाली आज के लिए जाना है तो मुझे बॉम्बे, तो मैं टिकट ही मेरे को काम आएंगे, तो पास लेके मैं क्या करूँगा? मतलब दो वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको सहूलियत नहीं मिल रही है, सेकेंड वैक्सीन लगने के बाद भी टिकट नहीं मिल। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमारे माध्यम से क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा अपने सीएम साहब को, ये आपने जो ये जो रूल्स आपने जो पास करवाए ये कुछ मतलब नहीं है। अनलेस ये पास लेके क्या करेंगे, 21 दिन के किसी का आउटडोर का कुछ काम है का मुमरा के अपने बाहर निकालना है, सिटी के बाहर निकालना है, तो पास लेके क्या करेंगे? उसका खाली एक दिन का काम है क्या, महीने में दो दिन का काम है, तीन दिन का काम है, कुछ काम निकला तो पास लेके क्यों कर क्या करेंगे फिर? बस ये मेरी अपील है। आपने दो वैक्सीन लिए? नहीं, मेरा दो वैक्सीन नहीं हुआ है, मेरा एक वैक्सीन हुआ है। एक वैक्सीन? हाँ, लेकिन मेरा आना जाना यहाँ से रोज है। रोज? और यहाँ पे मैं टिकट के लिए लाइन लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसी सिचुएशन देखता हूँ कि जो दो वैक्सीन हो गए वो लोग या लेडीज हो जेंट्स हो, उन लोग को यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है दो वैक्सीन लेने के बावजूद। गवर्नमेंट ने ऐसा, अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि दो वैक्सीन लेने के बाद आप ट्रैवल कर सकते हो। उस जीआर का ये है, दो वैक्सीन लेने के बाद 15 दिन के बाद आपको एक महीने का पास मिले जी, तो ये जीआर कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत? नहीं नहीं, ये जीआर बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ये जीआर बिल्कुल गलत है, क्योंकि दो वैक्सीन इंसान इसलिए लेता है कि उसको ट्रैवल करने मिले, जो भी उसको आसानी हो, सहूलियत हो, लेकिन यहाँ पे दो वैक्सीन वालों को ही सबसे ज़्यादा परेशानी देनी पड़ती है। अब कोई जॉब करता हो, कंटिन्यू आना जाना हो रोज, तो उसके लिए ओके पास मिल जाए, लेकिन अगर किसी को वन टाइम जाके आना है तो उसको भी महीने का पास देने के लिए बोल रहे हैं। जैसे लोगों की दुकान है, शॉप है बॉम्बे से, उसे एक दिन, हफ्ते में एक दिन जाना है, बिल्कुल कुछ वहाँ से खरीदारी करके लाके अपने दुकान पे सेल करना है, बिल्कुल, तो उन लोगों को मतलब महीने भर का पास देना, बाकी का दिन वेस्ट है, वेस्ट है। अच्छा, लगातार लोग विदाउट टिकट भी सफर कर रहे हैं और रेलवे ने काफी भारी तादाद में लोगों को पकड़ा है और फाइन मारा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें महाराष्ट्र सरकार की पूरी तरह गलती है? देखिए, इसमें गवर्नमेंट की भी, अपने सरकार की भी गलती है, क्योंकि विदाउट टिकट लोग आने जाने के लिए मजबूर इसलिए हुए कि उनको टिकट्स नहीं मिले, मेन वजह यही है। अगर टिकट्स मिले तो विदाउट टिकट वो लोग सफर नहीं करेंगे, जर्नी नहीं करेंगे। कि जैसे ये भाई मैं शिकायत करता, इन्होंने अभी बताया यहाँ पर इनकी दो वैक्सीन हो चुकी है, दो वैक्सीन होने के बावजूद इनको एक महीना हो गया टिकट नहीं मिली, और इन्हें एक ही दिन जाना है और इन्हें एक महीने का पास निकाल दिया। इनके साथ में और दो वैक्सीन लिए हुए लोग भी यहाँ परेशान थे, जो बिना टिकट वो सफर कर। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं ये रोज यही हाल देख रहा हूँ। अच्छा, ये लगातार हर रोज यही है, हर रोज जैसे मुमरा है, ये पूरा मतलब आप वीटी तक, वीटी तक पूरा सीएसटी तक वही है। सीएसटी भी लोग ऐसे बेबस खड़े रहते हैं टिकट खिड़की पर कि भाई देखो हम लोग दो वैक्सीन लिए, हमको थाना जाना है, मुमरा जाना है, डोंबिवली जाना है, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते। दो वैक्सीन लेने के बाद, दो महीने के बाद, मतलब उसके 15, एक तो ऐसा बंदा था वीटी में, वैक्सीन तो होने के बाद 1.5 महीना हो गया, फिर भी वो कहीं आ जा नहीं सकता ट्रेन से, उसे एक महीने के पास है। एक महीने का पास दिन के चलते लोग परेशान है, रोजगार से भी परेशान। अभी थोड़ा लॉकडाउन खत्म हुआ है, इंसान अपनी रोजी रोटी पे चल रहा है, अपने लाइफ को सेटल करने के लिए कर रहा है, लेकिन अभी ये वैक्सीन लेने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो रहा है।
दोस्तों, आज हम आए मुंब्रा स्टेशन परिसर में। यहाँ पर लोगों को मुंबई जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर जो लोग मुंबई जाने के लिए महीने में एक बार या दो बार ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को टिकट नहीं दी जाती। लोगों का कहना है कि दो वैक्सीन लेने के बावजूद एक महीना होने के बाद भी हमें सिर्फ पास दिया जा रहा है, मंथली पास। अगर यदि हम दिल्ली ट्रैवल नहीं करते हैं तो वो मंथली पास हमारे क्या काम का। हमारी महाराष्ट्र शासन से भी विनती है कि इस चीज़ पर गौर करें। जो लोग डेली ट्रैवल नहीं करते हैं, जो लोगों को महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार जाना होता है मुंबई, वो लोग 200-250 रुपये का पास क्यों निकालेंगे। उन लोगों को सिर्फ टिकट चाहिए रहती है। कितने शख्स यहाँ पर ऐसे हैं जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनके जेब में सिर्फ 50 रुपये है, मगर उन्हें पास के लिए बोला जा रहा है, तो वो लोग कैसे ट्रैवल करेंगे। एक खाना सिंगल, दो खाना लेते हैं, खाना सिंगल। दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ्तार मुंबई एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि मुंबई स्टेशन पर लोगों को दो वैक्सीन लेने के बावजूद भी टिकट नहीं मिल पा रही है, मगर आज हमने स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें मैंने खुद जाकर के काउंटर नंबर 2 की महिला को किसी और शख्स का आईडी दिया है और उन्होंने मुझे टिकट दी है। मतलब ये लोग वेरीफाई नहीं करते हैं, देखते नहीं है और किसी भी इंसान को टिकट दे देते हैं। ये आईडी किसी और शख्स की है और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं वैक्सीनेटेड भी नहीं, उसके बावजूद भी मुझे ये टिकट दी गई। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन के अंदर ये लापरवाही बनती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार के गाइडलाइंस की पूरा तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार से विनती है कि ये सब चीज़ों पर ध्यान दें। जो लोग जरूरी काम से डेली नहीं जा सकते, जो लोग बीच नहीं जा सकते बॉम्बे, उन लोगों को महीने का पास दिया जा रहा है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उन लोगों को टिकट दी जा रही है बिना आईडी देके किसी जाँच पड़ताल के। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े।